अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं उन सबको मेरा नमस्कार। गुरु, जिनसे मैंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण की है उनको मेरा नमस्कार। सभी अपने आप को अनम्यूट कर लें, सभी अपने आप को अनम्यूट कर लें, आवाज ना आए। जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे ही आपको करना है। सबसे पहले तो 3 बार लंबी सांस लेनी है और गहरी सांस जो नाभि तक आए, सांस ली, होल्ड की और धीरे धीरे छोड़। श्वास नाक से लेना है और नाक से ही छोड़ना है। एक बार और, एक बार और, सभी अनम्यूट हो जाएं अपने आप को। और अब हमें ओम की ध्वनि बोलनी है, निकालनी है, जिसमें हमें होठों को बंद नहीं करना। ओ बिल्कुल शांत। अब हमें एक बार ओम की ध्वनि निकालनी है, जिसके अंदर बीच में आपको होठों को बंद करना है, यानी कि आपके शरीर के अंदर झंझनाहट महसूस होनी चाहिए। बिल्कुल शांत, माथे पर कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी भी तरह का कोई बाहरीपन, सारा का सारा ध्यान टॉप ऑफ द हेड, सिर के ऊपरी हिस्से पर, मध्य भाग। आज मैं बीच में नहीं बोलूंगा,
आपको जैसा बता गया है वैसे ही करना है। पहले सिर के मध्य भाग में, फिर सिर के चारों ओर, माथे पर दोनों कान, फिर राइट आई, फिर लेफ्ट आई, उसके नीचे वाले पार्ट, गर्दन तक, फिर शरीर का अगला हिस्सा, पिछला हिस्सा, दोनों हाथ, दोनों पैर, वन बाय वन अपना ध्यान करते चले जाएं। जहां पर भी सेंसेशन आती है आगे बढ़ते जाएं। सेंसेशन नहीं आ रही है तो 1 से 2 मिनट तक वहां पर वेट करें और आगे बढ़ चलें। सारा ध्यान टॉप ऑफ द हेड।
सारा ध्यान टॉप ऑफ द हेड पर ले आए। महसूस करें बालों में क्या महसूस हो रहा है। माथे पर जहां पर बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, राइट ईयर, सीधे हाथ का कान, लेफ्ट ईयर, बायां कान, राइट आईज, आईब्रो, पलक, आईलिड, आंखें, गाल, लेफ्ट साइड, आईब्रो, आईलिड, पलक, आंखें, गाल,
माथे पर, नाक का ऊपरी हिस्सा, नाक के छल्ले, होंठों का ऊपरी हिस्सा, होंठों का फ्रंट मुलायम हिस्सा, जीभ, दांत, जबड़ा, थोड़ी चिन्ह, गर्दन, गर्दन के चारों तरफ, राइट हैंड, कंधे, कोहनी, कलाई, हथेली,
उंगलियां, अंगूठा, हथेली का पिछला भाग, लेफ्ट हैंड, कंधा, शोल्डर, कोहनी, एल्बो, कलाही, हथेली, उंगलियां, अंगूठा, हथेली का पिछला भाग, सारा ध्यान गर्दन पर, चेस्ट, चार चार उंगल नीचे धीरे धीरे चल, हार्ट, चार उंगल नीचे,
पेट, नाभि, नाभि से दो उंगल नीचे सबसे नीचे दोबारा गर्दन पर, गर्दन से पिछले हिस्से की तरफ पीठ, चार चार उंगल नीचे चलते चले जाएं, कमर, रीढ़ की हड्डी, राइट लेग, जांग, घुटना, पिंडलियां, टखना, पंजा, तलवा,
तलवे का ऊपरी हिस्सा। लेफ्ट लेग जांग, घुटना, पिंडली, रखना, तलवा, पंजा, दोनों पैर एक साथ, गर्दन से नीचे पूरा हिस्सा एक साथ, दोनों हाथ, कमर, पेट, दोनों पैर एक साथ,
सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर एक साथ। सारा ध्यान टॉप ऑफ द हेड। अब दोबारा शरीर के एक एक अंग पर जाएंगे, धीरे धीरे जैसे बताया गया है चलते चले जाओ और सिर से लेकर तलवे तक आराम आराम से अनुभव करते जाना है और चलते जाना है।
कमर सीधी, गर्दन सीधी।
अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं उन सबको मेरा नमस्कार, मेरे गुरुओं को मेरा नमस्कार, माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया उनको मेरी चरण वंदना, माता पिता जिन्होंने मेरे जीवन साथी को जन्म दिया उनको मेरी चरण वंदना, हे संसार के सभी जीवों, एक इंद्री, द्वि इंद्री, त्रि इंद्री, चतु इंद्री, पंच इंद्री, चाधुलोक में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में, किसी के प्रति मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, किसी की सेवा में कोई कमी रही हो, किसी जीव को कोई कष्ट पहुंचा हो, किसी जीव की को कोई हानि पहुंची हो, किसी जीव की जाने अनजाने मृत्यु हुई हो, मैं सभी से हाथ जोड़कर, मान मोड़कर क्षमा याचना करता हूं। सभी मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरा जीवन तेरा जीवन सबका उत्तम हो, प्रभु की शरणा गुरु की शरणा सबको शरणा हो, पाप ना होवे द्वेष ना होवे, पाप ना होवे द्वेष ना होवे, भाव क्षमा का हो, मैं भी सुंदर तुम भी सुंदर हम सब सुंदर हो, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो। सभी हथेलियों को रगड़ेंगे और अपनी आंखों पे रखेंगे, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। एक बार फिर हथेली पे रगड़ें, दूर लेके जाएं और नजदीक लेके आएं, दूर लेके जाएं, नजदीक लेके आएं, दूर लेके जाएं, नजदीक लेके आएं। देखिए मैग्नेट बन रहा है, बन रहा है, ठीक है, नहीं है तो दोबारा हथेलियों को रगड़ें।
आज हमने देखा कि सिर से लेकर पांव तक हमने अनुभव किया कि किस प्रकार से हमारी संवेदनाएं हैं, उनकी हम अनुभूति कर रहे हैं, हमारे शरीर के किस भाग में सेंसेशन है, कहां पर नहीं है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो चीज पहले थी आज वो बड़ी होगी, धीरे धीरे सेंसेशन बढ़ने शुरू होगी शरीर के पूरे भाग के अंदर, जहां पहले आपको नहीं महसूस होती आज वो महसूस होनी शुरू हो गई होगी। ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी है, हो जाएगा। कल हम देखेंगे, अभी हम चल रहे थे ऊपर से नीचे, और कल हम चलेंगे पहले ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर। और हमें देखना है, वहां पर यह अनुभव करना है कि हम एक गुब्बारे के अंदर बैठे हैं, चारों तरफ हमारे शरीर में से तरंगे निकल रही हैं, तो इस प्रकार से हमें वहां पर अनुभव करना है। अभी आपको किसी को कुछ पूछना है या अनुभव शेयर करना है तो अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। जय जिनेंद्र सर जी। हाँ जय जिनेंद्र सर, आज ऐसा लगा कि जैसे पूरे सिर में भारीपन लगा और कान में ऐसा लगा कोई तत्व बाहर निकल रहा है, लिक्विड सा। ओके। हाँ, और पैरों में इतना भारीपन रहा जैसे चिपक गए हो जमीन से। ठीक है, ऐसा फील हुआ। हाँ, ये चीज ठीक है, यानी कि हमारा जो मन है वो टिकने लगा है, क्योंकि जहां पर मन जाएगा वहां पर जो अवस्था होगी वो हमें जरूर दिखाई देगी। जैसे आपने कान के बारे में बताया, अभी हम क्या कह रहे थे कि कान में कोई महसूस ही नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अब आपको महसूस होने लगे कि लिक्विड निकल नहीं रहा था, वो केवल तरंगे निकल रही, लेकिन उसमें हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ हो रहा है, कुछ अंदर जा रहा है या कुछ बाहर जा रहा है ना। तो ये एक अच्छी बात है, इसलिए सेंसेशन आनी शुरू हो गए, इसको कंटिन्यू रखना है। जी रजनी जी। जय जिनेंद्र सर, मेरे को पसीने बहुत आते हैं। ठीक है, एकदम उस समय पसीने आते हैं और जैसे ही सेशन पूरा हो जाता है बिल्कुल ठीक हो जाता है। और मेरे से मेरे को थोड़ा बैठने में तो खैर शायद तबीयत की वजह से प्रॉब्लम होती है, मेरे बैक में बहुत पेन होता है, सीधी एकदम बैठ नहीं पाती, थोड़ा लेके उसमें पिलो वगैरह लगा लो बैक साइड में, जैसे आपको आराम मिले वैसे बैठो। और पसीना आना अच्छा है, आपकी बॉडी खुलेगी, जो हम कहते हैं ना सुबह योगा करो, योगा करने के बाद सारा दिन फ्रेश रहते हैं, उसका योगा करने का सिर्फ पर्पज रहता है कि हमारी बॉडी के सभी अंग हिला सकें और पसीना आए, और पसीना भी इतना आए कि बनियान वगैरह सब भीग जाए, मतलब इतना तरम तर होना चाहिए जिससे क्या है कि बॉडी का एक एक रोम खुल गया है, वो एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। चेहरे पे पसीना बहुत आता है। हाँ, आने दो, आने दो, जो जो हमारा पोर्शन खुलेगा, जो जो हमारा पार्ट खुलेगा वहां पर पसीना आने दो, लेकिन हमें रिएक्ट नहीं करना, पसीना पूछना नहीं है, बहरा है तो बहने दो, उसको अनुभव करना है कि पसीना हमारे कौन से पार्ट पर जा रहा है और वहां पर हमारे पर क्या सेंसेशन आ रही है। तो इस प्रकार से आप करो। सर मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत पेन होता है, वो पहले से ही है, मतलब पहले से ही बात है। नहीं है उसमें क्या है, आप ना जो भी आरामदायक जैसे तकिया वगैरह लगाना है, कुछ भी है ना, आराम से लगाओ, अपने शरीर को कष्ट नहीं देना, लेकिन हमें कंट्रोलिंग पावर बढ़ानी है। और आज मैंने देखा कोई भी पर्सन हिला नहीं था, एक पर्सन थे जो हिले हैं, अदरवाइज सब स्ट्रेट रहे। आप ये देखो पहले से, अब मैं खुद महसूस करो कि पहला दिन, दूसरा दिन, चौथा दिन, आज आठवां दिन है, तो आज आप में कितनी पावर आ चुकी है। इंटरनल हमें पता चलता है कि मैं अपने आप को कितना मजबूत कर पा रहा हूं या कर पा रहे, है ना, ये चीज। हाँ जी, और कोई और? हाँ जी भैया, पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, बैक में और पैरों में। होने दो ना,
अच्छा पैरों की पोजीशन चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम चेंज करो। दर्द ठीक हो है। रहा है हाँ उसको होने दो, पहले कोशिश करो जी दर्द अपने आप चला जाए, नहीं जा आपको, रहा है कोई बात नहीं, आप एक दो पोजीशन चेंज करो। हाँ अच्छा, आंखें के 10-15 मिनट में होना शुरू हो जाता है आंखें फिर। के दश में ना आकुलता हो जाती है कई बार, वो भी चीज होती है, उसलिए भी हमें थोड़ा सा बाकी महसूस होता है, कोई बात नहीं उसमें। ठीक है सब। हाँ अब ये भी तो देखो ना, पहले और अब में कितना फर्क आया, वहां पे कंपैरिजन करो आप, पहले ठीक है जी। और अब में हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर कितनी आई, पहले मेरी पोजीशन क्या रहती थी अब क्या रही, और मेरा मन कहाँ भागता था अब कहाँ टिक पा रहा है, चाहे एक पॉइंट पे टिका चाहे सभी पे टिका, अब टिकने लग गया है, यानी कि हमारा कंट्रोलिंग जो है हमारे मन के ऊपर आने लग गई है। हाँ आने लगी। तो वो चीज देख ठीक है जी। जी। जय जिनेंद्र जय साहब, हाँ जय जिनेंद्र जी, सभी हाँ को जय जिनेंद्र। जी। आज पता नहीं क्यों अनजाने में ही इस जो हम ध्यान कर रहे थे इसके साथ साथ जो रेखी की मेडिटेशन है वो भी बीच बीच में आके मिस होने लगी। बड़ा कोशिश तो किया उसको कि उसको अलग करूं, इसी पर ही कंसंट्रेट करूं, लेकिन फिर भी बार बार वही आ रही थी। उसका भी है तो इसी से रिलेटेड, वो भी काफी कुछ सिमिलर है, लेकिन उसमें बस ये है कि विजुलाइज किया जाता है व्हाइट लाइट कि वो हमारे शरीर में घूम रही है, जहां कोई तकलीफ है उसको बाहर जब निकाल के आपको फेंक ध्यान दो, आया तो आपने क्या किया? वहां से ध्यान हटा के वापिस इसी पर लाए। यही करना है। ध्यान तो भटकेगा, मन हाँ तो जी भटकेगा, आज नहीं डेली भटकेगा, लेकिन हमें अपनी कंट्रोलिंग पावर ये देखनी है कि भटका तो हमने क्या किया उस समय। जब हम उसको बार बार लेकर आएंगे कि तू यहाँ आ जा, वापिस आ जा, वापिस आ जा, तो धीरे धीरे जो गैप ये बढ़ना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी पोजीशन ही होगी, आप जो चाहेंगे वही होगा। तो ही हो, ठीक है। लेकिन जो पहले दिन से हम चालू हुए हैं उससे तो बहुत 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 ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। मतलब हाँ इसके लिए तो धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है, इतना फर्क आपने ला दिया है। धन्यवाद नहीं है, देखिए ये खुद का पुरुषार्थ है। हम यदि करेंगे हम अपने लिए कर रहे हैं। जी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं आ रहे हैं या वो नहीं कर रहे हैं, उनको इफेक्ट नहीं आ सकता, जी दवाइयों से हमारा शरीर नहीं चल सकता। और मैक्सिमम आज की डेट में जो बीमारियां आ रही हैं वो मानसिक रूप से आ रही हैं, और एक बार वो जो मानसिक रूप में बीमारी आती है वो फिजिकल रूप में भी आ जाते हैं, यानी कि मेंटल और फिजिकल दोनों इकट्ठे चलता है। और मेरा ये अनुभव रहा है कि हमने यदि अपने मेंटल को कंट्रोल कर लिया, अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया, तो मेंटली और फिजिकली हम दोनों जगह से स्ट्रोंग होने शुरू हो रूप गए। तो इसको बिल्कुल कंटिन्यूएशन में रखना है, छोड़ना नहीं है, और दिन में जितनी बार भी हो सके उतनी बार करो। वैसे, और बोल रहे साहब मैं कल दिल्ली से बाहर था तो कल का वेबिनार अटेंड ही नहीं कर पाया, अभी जब सुबह ग्रुप खोला है तो हाँ, रात उसमें वाला, दिखा था भी कल। नाइट हाँ वाला कोई जी हाँ जी हाँ जी बात नहीं, उसकी वीडियो आ जाएगी, आप सुन लीजिए। ठीक है सर। सर एक चीज पूछनी हाँ जी, थी, ये सांसें कैसे विजुलाइज करनी है? सांसें कैसे विजुलाइज करें? जैसे हम लोग रेकी करते हैं, रेकी में हम व्हाइट लाइट लेते हैं, तो हमें एक हैबिट पड़ी हुई है कि व्हाइट लाइट आ रही है क्राउन चक्रा से और पूरे शरीर में जा रही है। जैसे सांसें आती हैं आंखों में, इधर चेहरे पे, सब जगह आंखें बंद होती हैं, उनको विजुलाइज कैसे करना है, क्या कुछ उसका नहीं, मतलब? नहीं 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 आप फिर कंफ्यूज हो गए, इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना। सांसें आना और जाना स्वाभाविक है, नेचुरल है वो। आप सांस ले और छोड़ नहीं रहे, सांसें तो अपने आप आ रही हैं, अपने आप जा रही हैं। अब सांस कहाँ से आ रही है, नाक से आ रही है या मुख से आती है? मुंह से हमें सांस नहीं लेना, हमें नाक से सांस लेना है, ठीक है ना, मुंह बंद रखना है। अब हमें ये अनुभव करना है कि सांसें जो आ रही हैं वो हमारे किस बॉडी पार्ट पे टच हो रही हैं। हमने जो पहले दिन सेशन किया कि भी सांस आ रही है जैसे नाक पे आ रही है, तो क्या होंठों पर टच हो रही है, नाक के भारी छल्ले पर टच हो रही है, नाक के अंदर टच हो रही है,
और आपने देखेंगे धीरे धीरे हमें ऐसा भी लगता है कि गले में भी महसूस होने शुरू हो जाता है ठंडकपन, जब कहीं ठंडक हो गर्म हो तो गले में भी महसूस होने लगता है कि सांस जो है अंदर जा रही है। ठीक है, अभी हम क्रिया क्या कर रहे हैं, हम सांसों को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं हमारा मन। मैंने कहा मेरा मन माथे पर आ जाए तो माथे पर आएगा। अब यहां पर ये क्या चीज ध्यान रखनी है कि हमें अपनी आंखें नहीं लानी, हमें अपनी पुतलियां नहीं लानी, ठीक है, सिर्फ मन को देखना है कि भी मैंने शास्त्र चक्र पर ले गया या टॉप ऑफ द हेड पे ले गया तो वहां पर क्या फीलिंग आ रही है, माथे पर क्या फीलिंग आ रही है, कानों में क्या फीलिंग आ रही है। जैसे अलका जी ने कहा कानों में मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ जैसे कोई लिक्विड रूमा गिर रहा है, गिरा थोड़ी है कोई, ना आया ना गया, लेकिन हवा का एक प्रेशर है जो हमारी बॉडी में से होके गुजर रहा है, हमें उसकी फीलिंग लानी है कि मेरा मन जो है कहाँ पर पहुंचा है। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीजें अपने आप महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। मन क्या कर रहा है, मन कान के अंदर गया और वहां पर बैठ गया। अब जो हवा है वो तो गुजर ही रही है ना, वो तो अपने फ्लो में है, अब उस हल्की सी सेंसेशन को हमें महसूस करना है, वहां पर सेंस करना है कि हवा आई वहां पे कौन से भाग में टच हुई, कहाँ पर किस पोर्शन पे टच हुई। और ये धीरे धीरे हमें अपने शरीर के अंदर बारीक से बारीक हिस्से पर लेकर जाना है। हमारा शरीर लाखों परमाणुओं से बना है, एक ऐसी अवस्था आती है कि हम एक एक परमाणु, अभी तो मैंने कहा उंगलियां देखो, चारों उंगली देखो, मैंने अभी एक उंगली कहा ही नहीं, अब अवस्था कैसे आएगी, मैं कहूंगा जी अपनी छोटी उंगली देखो, बीच वाली देखो, बड़ी देखो, ऐसे ऐसे आपको फर्क, फिर उंगलियों पे आ गए तो मैं कहूंगा जी पहला पोरा देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, यानी कि आपको एक एक पार्ट की सेंसिंग आनी चाहिए, जब ही हम देखेंगे कि हमारी कंट्रोलिंग पावर कहाँ पर पहुंची। थैंक यू। तो इस प्रकार से आप अपने महसूस करते चाहिए। जी जयजेंद्र सर। हाँ जी जयजेंद्र सर, मुझे आपसे पूछना है कि जैसे जो मेडिटेशन की एक पोजीशन आती है जिसमें आप मेडिटेट कर रहे हो और बाहर आउटर क्या हो रहा है आपको नहीं पता चलता, कि जैसे अभी हम आज बैठे हुए थे एंड के सेशन में, यानी कि जब 10 मिनट आ गए थे, तो 10 मिनट आई थिंक जो मेरे हस्बैंड बाहर आए होंगे, उन्होंने चेयर खिसका पानी पिया, तो जो वॉइस आ रही थी वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मतलब क्योंकि शोर हो रहा था तो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, तो मुझे उस टाइम इरिटेट होना शुरू हो गई थी, तो ये चीज कैसे होगी अपने अंदर से, ये चीज देखिए ऐसा है, पहली बात इरिटेट नहीं होना किसी भी एंगल से, ठीक है, दूसरी बात जब आप वॉइस नहीं आ रही, कोई बात नहीं आने दो उसको, हमें इग्नोर करना है, इसका मतलब क्या है, कमी बाहर नहीं थी, कमी हमारे अंदर थी, इट मींस हमारा मन जो है पर्टिकुलर जहां पर होना चाहिए था वहां पर नहीं था, सराउंडिंग भी घूम रहा था, हैं? तो यहां पर हमें अपने आप को स्ट्रोंग करने की जरूरत है कि मैं अपने आप को कैसे स्ट्रोंग कर पा रही हूं, मेडिटेट कैसे कर पा रही हूं, इट मींस आपका जो ध्यान है अभी भी कहीं ना कहीं भाग रहा है, और ये जब ठीक होगा जब आप प्रैक्टिस के अंदर आएंगे। इसका सबसे बढ़िया तरीका है आप डेली ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में भी कभी कभार 5-5 मिनट का मेडिटेशन करो, क्योंकि ऑफिस में साउंडिंग होती है, साउंड होती रहेगी कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, उसके अंदर अभ्यास करो। Excuse me, sir. हैं? सर, वो नेटवर्क इशू आ गया था, मुझे पता नहीं चला आपने क्या बोला, प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मन में कहीं ना कहीं भटकाव है, उसको स्ट्रोंग बनाना है, और ये आपका जो स्ट्रोंग बनेगा प्रैक्टिस से बनेगा। आप जब ऑफिस जाते हैं ऑफिस में 2-3 बारी 5-5 मिनट का मेडिटेशन करना शुरू कर दो, वहां पे मेडिटेशन सिर्फ सांसों को देखने से होगा, और कहीं दिमाग नहीं जाएगा ऑफिस में, सिर्फ सांसों की काउंटिंग करो या सांसों को फील करो, ये वाली प्रैक्टिस कंटिन्यूएशन में करना शुरू करो। जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सराउंडिंग क्या हो रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा। और दूसरा, जो चीज हो रही है ना तो उसका एंजॉय करना है ना ही इरिटेट होना है, जो हो रहा है उसको होने दो,
ठीक है। कई बार क्या होता है, हमारी नेचर हो जाती है, नहीं मुझे तो बिल्कुल शांति चाहिए, ये चाहिए। शांति बाहर नहीं देखनी, शांति मुझे अपने अंदर देखनी। तो यहां पर सिर्फ ये वाला पॉइंट है, जो हो रहा है बाहर होने दो, क्योंकि वो होगा। ठीक है, सिर्फ अपने अंदर देखना है, और पहले से आप कंपेयर करो कि आज मैं किस पोजिशन हूं, क्या 10% या 20% या 50% मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आई है। नहीं आई है तो उसका कारण भी ढूंढो कि क्यों नहीं आई, और आई है तो अब इसको कैसे इंप्रूव करना है। जो रैकी के अंदर सिखाया जाता है वो चीज होती है एक ध्यान को टिकाना, कि हमने एक व्हाइट लाइन देखी, ब्लू लाइन देखी, ये देखी, वो ठीक है, अपना तरीका ठीक है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं शून्य पर आना है। मतलब जब भी कोई चीज सिखाएंगे उसका लास्ट शून्य है। यदि हमने एक बार शून्य को समझ लिया, फिर आपके लिए रैकी वगैरह करना या जो भी ध्यान साधना करते हो बहुत आपके लिए इजी हो जाएगी, जैसे बच्चों का खेल हो गया, क्योंकि तो आपने टॉप सीख लिया है, आपको समझ में आ गया है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, हाँ जी, और कोई कुछ बात करना चाहेंगे? जय जी, चलो जय जी। सर आज बहुत भारी पना है शरीर में, भारी पना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक तो ना कुछ तो है, हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस भी हो रही हैं, और कुछ मौसम भी ऐसा हो रहा है इस समय, मौसम का भी बॉडी के ऊपर काफी इफेक्ट आता है। और सर में भी दर्द रहा हूं। हैं? सर में भी दर्द रहा हूं। नहीं समझ नहीं आया। सिर में भी बहुत दर्द था। सिर में दर्द था, कोई बात नहीं। यदि आपके सिर में दर्द होता है ना, तो आप एक काम करा करो, देख लिया करो, यदि आप स्वर जानते हो, स्वर कैसे चेक कर सकते हैं, हम सांसों को चेक कर सकते हैं, तो उस समय चेक कर लो मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, राइट चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है। ठीक है, जो सा स्वर चल रहा हो अपोजिट स्वर को चालू करो। जब भी ऐसा सिर में दर्द हो, यदि राइट स्वर चल रहा है लेफ्ट चालू कर लो, लेफ्ट चल रहा है राइट चालू कर लो, आपके सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। मेडिटेशन करते वक्त नहीं क्लियर हुआ, नहीं आवाज नहीं आ रही आपके ना एक्चुअल में। सर इनकी गले में प्रॉब्लम है। हाँ वो मुझे लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आया ना, जब तक मुझे समझ नहीं आएगी मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। मुख मुंह के अंदर जी। अच्छा कोई बात नहीं, ये देखो अच्छे सिम्टम है, आप ना हर चीज को सेंस कर पा रहे हो। आप ये भी तो चीज देखो ना, आपको जो 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 हुआ आपको महसूस हुआ, नॉर्मल वे के महसूस नहीं होता, वो आपका रूटीन बन चुका है, आपने अब एक एक चीज को सेंस किया है। यही चीज लेके आनी है कि हमारी बॉडी में कहीं पर भी कुछ हुआ वो मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरी बॉडी के किस पार्ट में क्या हुआ। इट मीन्स ये सारे प्लस पॉइंट है, सभी ने बहुत अच्छा किया है, हमें इसको कंटिन्यूएशन के अंदर लेके आना है। आपसे बताएं कि क्या ये सिम्टम भी हो सकते हैं, जैसे मेडिटेशन जब कर रहे हैं आजकल 2-3 दिन से, तो उस टाइम तो बॉडी बहुत लाइट फील हो रही होती है, जब सेंसेशन चल रही होती है पूरी बॉडी में, लेकिन आफ्टर दैट जब हम उठते हैं वहां से, तब थोड़ा सा भारीपन फील होता है मुझे 1-1.5 घंटे के लिए। हाँ आता है, आता है बॉडी, कंधे बहुत भारी फील हो रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, क्योंकि जब हम मेडिटेट कर रहे होते हैं क्या, हमारा जो माइंड है वो एक जगह फिक्स हो जाता है, यानी कि जहां हम लेके जा रहे हैं वहां लेके जा रहे हैं। और जैसे ही आपने मेडिटेशन खत्म किया, तो क्या है? आप ऑफिस जाते हैं तो आपका दिमाग क्या है, चारों तरफ घूमना शुरू हो जाएगा, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना, मुझे ये भी करनी है, तैयारी करनी, तो चारों तरफ घूमना शुरू हो जाएगा, तो वहां पर हल्का फुल्का भारीपन आता है। ऐसे में यदि आप लेट सकते हैं तो लेट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लेकिन ये चीज है, इसके अंदर गहरी नींद बहुत आती है, बहुत गहरी नींद आती है, बहुत आती है सर सच में। हाँ बहुत गहरी नींद आएगी, क्योंकि बॉडी के अंदर जो हमने वो लिया है, मेडिटेट किया है, उसका इफेक्ट आता है। तो एक प्लस पॉइंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लेट ना चाहें 10-15 मिनट अलार्म लगा के लेट जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट सर जैसे वही वाली बात है कि अगर लेट हो तो 1-1 घंटा बहुत ज्यादा नींद आती है और इतना टाइम होता नहीं, तो फिर कैसे करूं मैं अपने आप को मैनेज कि एक्टिव हो जाए बॉडी? कुछ नहीं करना, आप किसी काम में लगाओ अपने आप को,
हल्के काम में, जैसे वगैरह आप जैसे उठे हो, अपना पानी वगैरह पीना है तो पानी वगैरह पी लो, यदि आपको चाय की आदत है तो वैसे चाय पीते नहीं है लेकिन पीना है तो पी लो, कोई दिक्कत, लेकिन अपने आप को वर्क में लगा लो जी। बस यही इसका एक तरीका। बट सर पता है फिर क्या होता है, जैसे अभी घर का काम करेंगे ना तो बॉडी एक्टिव रहेगी, लेकिन जैसे अब ऑफिस में जाओगे तो सीटिंग काम है सारा, तो सीटिंग में होती थोड़ी सी झपकियां आनी शुरू हो जाती है, झपकियां आनी शुरू हो जाती है। तो उसका देखो, यदि झपकी आ रही है तो सांसों पे ध्यान ले आओ। ओके, और नहीं तो सिंपल तरीका है, 5 मिनट आप रेस्ट करना चाहिए, 5 मिनट में बॉडी खुल जाती है। जी जी ठीक है, 5 मिनट में बॉडी खुल जाती है। हाँ ठीक है, चलो सभी का मंगल हो, सबके घर में निरोगी हो, सभी सभी स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना के साथ जय जिनेंद्र देव। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र सर जी, बहुत बहुत अनुमोदन आपको। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र।